कछुआ बेटा को पालते हैं। कछुआ बेटा तबीयत खराब है। कछुआ बहुत अच्छी लड़की है, मुझे अपना भाई मानती है। कछुआ बेटा लाइफ में तेरा भाई बीमार है दीपक का लाल, क्या पता इस धरती पे रहूं ना रहूं। आजा कछुआ बेटा, मम्मी की बहुत याद आ रही है, अगर मेरी माँ होती तो गाना गाती, जिंगल बाल जिंगल ऑल द वे। हेलो, ऐसे ही क्यों है, दीदी मेरी तबीयत खराब है, क्या हुआ? मुझे बुखार और जुकाम है दीदी, आप मेरे लिए वो गाना गाओ, जिंगल बाल जिंगल बाल जिंगल ऑल द वे। तुम्हें पता है मैं खुद बीमार हूं, मेरी क्या कंडीशन है। हाँ दीदी मुझे पता चला आप चंडीगढ़ के अस्पताल में। आपको पता है मैं 1 मंथ से बेड पे हूँ, क्योंकि मेरे को चिकनगुनिया हो गया है, उसके साथ पूरे जॉइंट्स नहीं चल रहे हैं, हाथ पैर दोनों नहीं चल रहे हैं। अरे बाप रे, तो ये तो बहुत ही सीरियस है दीदी। और क्या, पहले ही एक बीमारी से मेरा चल रहा था सिस्टम, उसके बाद अभी थोड़ा तो मैं ठीक थी, लेकिन अब जब से फीवर आया 104 105 हुआ था फीवर, हाइपर। अच्छा, ओके दीदी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 40। दीदी मेरी तो 51 है, आप सोचो मेरी तो हड्डियां दुखती है अभी नहीं नहीं अब अभी फीवर कब से है मुझे फीवर? तीन दिन से है। मेडिसिन ली? हाँ दीदी, मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने मेडिसिन ली। अच्छा, अभी मैक्लोडगंज कितने दिन हो अभी? मैं जल्दी छोड़ दूंगा 2-4 दिन में, उसका रीजन ये है क्योंकि अभी यहाँ पे ठंड बढ़ेगी हाँ, ये तो और है, मैं बढ़ और गई बीमार ठंड पड़ जाऊंगा, तो। ज्यादा ठंड बढ़ेगी मैं और बीमार पड़ूंगा। पुणे जाना है, पुणे जाना है, पुणे जाना है अभी या दिल्ली जाना है? नहीं, मैं अमृतसर 10-12 दिन के लिए क्या हाल है रहूंगा, दस दीपक? दिन के लिए। ओके यार ओके तेरा भाई ओके बीमार पड़ गया यार, कैसा, क्या दिक्कत आ रही है? यार मुझे बुखार है और जुकाम भी है। हाँ अच्छा जी, तो जाऊंगा अनमोल डॉक्टर का जाए, बंगाली डॉक्टर का जाए? बंगाली के हिमाचली डॉक्टर के पास जाऊंगा। नहीं पता क्या, ये जहाँ पे रुके हो ना, जहाँ जिस होटल पे, उनको बोलना वो तुलसी का काढ़ा बना के देंगे। गार्डन ऑफ इदर दीपक दारू पी है। आप लोग कहाँ पर बैठे हो बेटा? दीपक क्या हाल है? बस ठीक है, मैं आप जैसे लोगों की जिंदगी जीना चाहता हूँ, बट मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही है। खराब हो चाय गई? को कैसे है? बाल्टी धरवाए को, मैं भी दारू पीना चाहता हूँ, हुक्का पीना चाहता हूँ, लेकिन आपके अरे भाई की बाल्टी उम्र धरवाए हो को दीपक, गई बाल्टी धरवा तो दी गए तू। है। कितनी उम्र होगी? बेटा मेरी हालत बहुत गंभीर है। अरे कितनी उम्र होगी तेरी?
बेटा मेरी उम्र 51 साल है। क्या तुम तो मरने वाला, फिर तो कह देना। नहीं ऐसे कुछ नहीं, मरने की बात मत करो, कम से कम औखन की तो शर्म कर लो, औखन की तो शर्म कर लो। औखन की शर्म तो हमारे पढ़ाई की रोक रहे हम। ब्लेसिंग दो दीपक को, ब्लेसिंग दो सारे की ये जल्दी ठीक हो जाए और हंसी खुशी अपना मर मरा कर डाल पिटेगी। दीपक हमारे गांव में बाल्टी टूट रही ना, तेरी धरती दिखे। दीपक पता नहीं पागल कौन से रेस्टोरेंट में बैठे हो, दिखाएंगे दे। दीपक हर बावड़े हो गए, पता नहीं कहां ले ठीक हो। बेटा तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो, मैं बीमार हूँ। क्या एंजॉय कर तू यार, तू वहाँ पे आके एंजॉय कर यार। दीपक तू भी बता ना कहाँ परेशान डोला है। अरे ये क्या हेल्प हो गई, यहाँ पे आके हुक्का पी हमारी गेल, ये हेल्प हो गई तुम्हारी। एंजॉय कर हमारी गेल, मजे दवांगे तो बैठ हमारी गेल, दारू पी। अरे मुझे दवाई करवा दो तो, तुम दारू की बात कर रहे हो, मेरे दवाई के बारे में नहीं सोच रहे। सेट हो जाएगा दवाई से, सेट ठीक हो रहा हो तू, दवाई तो ठीक ना होगा। अब तेरी उम्र नहीं दवाई वाली, अब तो दारू वाली उम्र होगी है। अरे मैंने गुज्जर धर्म अपनाया है, तुम लोग मुझे नाली में गिरवा के ही मारो मानोगे क्या? अब जब 4 रुपया का नाली में गिरा फिर क्या फायदा पीने को। अरे दीपक पता क्या, एक लड़का है यहाँ पे मलाल मलाल करके है, वो कह रहा था कि मेरा वहाँ पे काफी अच्छा वो है, तो मैं बात करूंगा वहाँ पे, सारी हेल्प मिल जाएगी। क्या नाम है उसका? मलाल मलाल मस्त है। कैमरा ऑन करिए ना आप अपना, दीपक बोलो। भाई मैं बीमार हूँ, मैं 5-6 महीने से बेड पे हूँ, तो सॉरी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ मैं, इसीलिए अदरवाइज मैं भी कैमरा ऑन करके जाती थी, बट अब थोड़े तो 5-6 महीने से मैं ऐसे। तो हमारे दीपक भाई बीमार है, वो भी तो कैमरा ऑन करके बैठे हैं। दीपक की हाँ जी, मैंने कहा ऐसे दीपक भाई बीमार है, वो भी तो कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं। हाँ तो भाई को सिर्फ फीवर है, मेरा कुछ और प्रॉब्लम है। ये गुज्जर भाई क्या जाने, ये तो तंदुरुस्त है मस्त है, इनको हम गरीबों का दर्द क्या पता है। तंदुरुस्त है, बढ़िया, बिल्कुल फिट। ये तो सामने वाले को फ्रैक्चर करके एक दो बास्केट भेज देते कि इनके जैसे लड़के सामने वाले बंदे को फ्रैक्चर करते हैं और बाद में एक फ्रूट बास्केट भेज देते हैं हॉस्पिटल में। घी दूध खाए कर तो देसी। हाँ मैं देसी घी खा रहा हूँ बेटा, घी दूध देसी खाए कर। जब अभी फीवर है, अभी देसी घी मत खाना, अभी इलायची अदरक वाला काढ़ा, मतलब वो तुलसी के पत्ते अगर मिलेंगे उसका काढ़ा बना के पीना। इन तो ठीक ना होएगा यार, दीपक कैसी बात कर देते हैं, तो ठीक हो जाएगा ना अपना। एक बेटा क्या करना चाहिए, एक बोतल सोवे पी, एक बोतल सोम को पी, 2-3 दिन में सेट हो जाएगा। फॉर्म दवाई वाई में पैसा वेस्ट करेगा तू। बेटा मुझे कौन सी बोतल पीनी चाहिए? तो उसी बिलो पी, देसी पी, देसी संतरा की देसी पी, 200 रुपये बोतल आएगी। देख रहे हो दीदी कैसे मेरे जान के दुश्मन भरे पड़े हैं। हम तो सोचते हैं बच जा तू, 2-3 साल और जी ले अभी, दवाई ले। 3 साल बहुत ज्यादा, ये 2-3 साल बच रही तेरी। भगवान से डरो, ऐसे मत बोलो दीपक को, दीपक दीपक तो एक एंटरटेनर है इंस्टाग्राम पे। दीपक नंबर है ये लोग, अभी अभी थोड़ी मर जा रहा, कटिंग देख के करवाई है। ओहो
हेयर कट अच्छा किया है मैंने। हाँ बढ़िया लग रहा हूँ। लाइट कैसे ऑन ऑफ कर रखी है बेटा? अभी मुझे अंधेराई ठीक है। है उजाले में कुआ थोड़ा सा पब्लिक दिखा, देखना चाह रहे हैं फैंस लोग तेरे। नहीं बेटा मैं अभी अंधेरे में ही ठीक हूँ। तभी तबीयत खराब हो रही है उजाले में, तो रौनक देख फीवर चेक कराया था? फीवर चेक किया था क्या? क्या हुआ दीदी? फीवर चेक किया था? फीवर के हाँ फीवर हो रहा है फीवर दीदी मैंने फीवर एक्चुअली नहीं है वैसे, मतलब खांसी मुझे बहुत है, फीवर एक्चुअली नहीं है उसका। ठंड हो गई है ना वहाँ पे, और बाहर टेरेस पे भी बार बार निकल रहे थे ना, वहाँ से लाइव शाइव चला के ठंड लग गई। दीपक हाँ दीदी दीपक वो मैं मलाल से बात कराऊंगी, मैंने मैसेज भी ड्रॉप करा हुआ है, चेक कर लेना, वो कुछ भेजेगा बोला हुआ है मुझे कुछ भेजना है। तास के लिए बता जा यार, तो देख लेना मेरा मैसेज तो। हाँ भी मैं आपका मैसेज देख लूंगा। और है भी तो आप अच्छा उसको लगता पहले है। से जानती हो या अभी से जानती हो? नहीं 2-2.5 साल से जानती हूँ मैं उसको, मैंने लाइव भी शेयर करी थी। अच्छा लड़का है, आ नहीं रहा, पता नहीं बिजी होगा कहीं ऑफिस ऑफिस में जॉब कर रहा है। दीदी ये लड़का अच्छा है क्या बुरा है? हाँ जी मेरे लिए तो सारी दुनिया अच्छी है, आप अच्छे जग अच्छा। ओहो लेकिन दीदी मुझे बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, ये मुझे नशेड़ी बना देगा। हम तो बर्बाद न हुए, हम डेली पी रहे, मतलब हम तो न हुए बर्बाद। बेटा तुम्हारे पास जोश है, कौन सा हुक्का है ये? कड़वा हुक्का है या मीठा? कड़वा वाला देसी अच्छा रहता है, ये तो ठीक रहता है देसी हुक्का। देसी है मैं जब तो कह रहा हूँ दीपक तो यही पिए कर, तू आजा आते ही ना बेटा। मुझे दूध दही की जरूरत है, चूरमा ताकत बढ़ाने के लिए चूरमा की जरूरत है। दूध दही भी प्यार देने के लिए हम भी हैं, हम भी। मुझे बादाम के रगड़ा की जरूरत है। तो दादा के रगड़ा तो वाको रगड़ा ले, लसन को लसन क्या ताकत एक और रहे ना वर्ड, वाको रगड़ा ले तू। बेटा मुझे कुछ अच्छी बातें सिखा। अच्छी बात है फिर जो सिखाएगा मोहित कुछ बता। अच्छी बात दीपक पढ़ाएगा, अच्छी बात तो सिखा देंगे, अच्छी बात तो सीख जाओ ऐसे पत्ता खेलने पड़ेंगे तो हमारी गेल अच्छी सारी बातें। अरे कभी अच्छे काम भी करते हो या सब बुरे ही काम करते हो? अच्छे तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अब किसी से कुछ बोल थोड़ी, तुम मंदिर नहीं जाते हो? मंदिर मंदिर ना जाए करें। सुबह मंजू दीदी आए थे ना यहाँ लाइव पे, तो मैंने बोला था मेरी बात करा दो, बड़े दिन हो गए तो मतलब बड़ी देर से उनको देखा ही बात ही नहीं की उनसे, उनकी बातें अच्छी लगती है। वो को बोट ले उनको ले दे रहा हूँ मैं लाइव पे। इधर है आए हैं क्या? मैं उनको लाइव पे ले रहा हूँ। हेलो हाय कैसे हो आप? रोशनी दी प्यारा दी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो बताओ दी? मैं क्या बोलूँगा मैं कैसी हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, जी रही हूँ थोड़ा। अरे नहीं नहीं आप बहुत अच्छा जियोगे, आप मुझे मैसेज में बताना क्या हुआ। हाँ दी पक्का मैं बताऊंगी, बट आपकी डीपी स्टिल वही है, इतने सालों से मैं देख रही हूँ। तो डीपी चेंज अब ली है, अब ये डीपी तब चेंज होगी जब दीपक के साथ फोटो खींचेगी मेरी। वाह दीपक अभी बीमार है, अभी अमृतसर आना है। अच्छा अच्छा अभी जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं अमृतसर आऊंगा, फिर गुरुद्वारा में सेवा करूंगा। दीदी मैंने इसको कहा कि मैं बीमार हूँ, इसने कहा तू आ जा मेरे तिगाम में, तुझे दारू पिलाता हूँ, हुक्का पिलाता हूँ, रसीद मंगवाता हूँ, ऐसे बोला इसने। जल्दी ठीक हो तो बात है।
आपको मॉर्निंग में देखा था, आप बातें कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, तब भी मैंने मैसेज कर रहा था, चलो अच्छा बात करके जाऊंगी। अच्छा, दीदी इसके उम्र 25 साल है, हमारा दर्द ये क्या जाने का, बताओ। हाँ, ये हमारा दर्द क्या गरम जानेगा, खून है ना, गरम कैसे खून है कैसे ना हमारा हड्डी में दर्द बुढ़ापे होता वाला है, खून। कैसे कैसे डाइजेशन में हमको तकलीफें होती है, इसको कुछ नहीं पता है कुछ दीदी। नहीं पता इसको, घुटनों में दर्द क्या होता है, पीठ में दर्द क्या मंजू होता दी, जो ये अभी चिकनगुनिया चला है ना, इसने तो बिल्कुल बर्बाद करके रखा है सबकी हड्डियों को। अच्छा, चिकनगुनिया हमारा। शुरू हो गया क्या? अरे दीदी मैं तो वैसे ही बीमार चल रही हूँ, जून मंथ से मैं 2.5 महीने पीजीआई चंडीगढ़ में थी, वहां से आई तो ये थोड़ा लड़के प्रॉब्लम को हो तो गई थी, चिकनगुनिया भी पता चिकनगुनिया नहीं है, इसको सिर्फ चिकन तंदूर हो पता रहा है, था चिकन एक महीने। तंदूर। चिकन तंदूर दे, अगर हाँ मुझे दी तब तो हो रहा हो। ऐसी बुरी हालत है। मैंने तो, मुझे किसी ने बताया था कि पंच बुला तुलसी, पांच तरह की जो रहा तुलसी होती है ना। बोलना, बुला रहे हैं लाइव पे, दीपक दीपक बुला रहा है लाइव पे, कॉल करना उसको। हाँ हाँ जी, क्या दीपक, तुम बोल ना रहे? एक ये चीज मंगा लो, इससे सही हो जाओगे तुम, इसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये यू नो वाइटामिन दैट सी है, इंडिया है वाइटामिन मालियो। सी है ये, इसके स्प्रे ले ओ, और स्प्रे इम्यूनिटी लेना बहुत होगा स्ट्रॉन्ग। हाँ, इसे स्प्रे होगा तो खांसी जुखाम बुखार है ना, फीवर, किसी भी टाइप का फीवर होता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। दो। अब नो ठीक है, टाइम आ गया, अब तो जाए कोई। अरे भैया सुप्रीम बोलो हमारे दीपक को, हमारे दीपक को आप कुछ मत बोलो भाई, ये सब चीजें खुद ही कह रहा हूँ, अगर आप जाओ दीदी मैंने इसको दोपहर को दीपक कॉल किया, मैंने इसको दोपहर को कॉल किया, बोला जिंदा है तू, मर नो बड़ी गलत, बड़ी गलत बात है, दीपक को गो। ऐसे बोलो। तो देख के हैरान हूँ कि बच रहा हो अभी, मरो नो अभी है। अरे घबराना नहीं दीपक, देखो मैं कितनी बीमार हूँ, मेरे को कौन सी डिजीज है, लेकिन फिर भी मैं कितना मतलब बोल्ड होके बात कर रही हूँ। अभी दीपक को कुछ नहीं होता, हम दीपक के साथ हैं। खेल रहा है वो, कभी 4 साल जिंदा, और आ जाते हमारे घर। अच्छा मंजू जी कैसे सुनो, हैं, हेलो आपके न्यू नीतेश, प्रोजेक्ट वगैरह? गिरा हुआ इंसान तेरे से बात करना चाहता है, उससे बात करेगा गिरा हुआ इंसान से? हाँ होता है हाँ कौन है नो गिरा हुआ, वो तब गिरा हुआ है कोई? वो तुझसे बात करना चाहता है, तुझे प्यार देना चाहता है वो। मंजू जी ये एप्पल खा रहे हो? हाँ मैं शाम को थोड़ा सा ना ये लेती हूँ इतना इतना सारा आप उठा रहे हो, छिलका तो क्या फायदा है एप्पल खाने का, यार सब ये। कुछ हाँ इसमें कभी ही भी है। नहीं, छिलके पर दिल्ली के में ना साथ ये ही लोग, खाना चाहिए। पर दिल्ली में ना ये लोग क्या करते हैं, छिलके पे वो चढ़ा देते हैं वैक्स ना, तो अरे मेरे को दीपक डॉक्टर ने वो बोला। पता दीदी वो वैक्स निकल जाता है, अगर आप इसको 1 घंटा भिगो भिगाओगे ना, हाँ वैक्स निकल जाता है, क्योंकि जो भी कुछ है इसके छिलटे में नहीं, है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल अरे ओरिजिनल सेब है ना, कुछ मिलाता है कोई, जो पेड़ पे निकला है आप तो ओरिजिनल। राणा जी जन्नत में रहते हो, जन्नत में। और इतना सेब इस बार निकला, इतना सेब निकला है कि पूरी सर्दियों में खत्म नहीं होगा सेब। अब तो हम वहां जाके न्यूजीलैंड के सेब खाएंगे, जूसी इस बार सेब। गोल्डन एप्पल अच्छा निकला है इधर। दीपक को खवा दो कुछ। अरे यार ले आओ, दीपक की मम्मी को भेजने हैं एप्पल, मैंने फ्रेश एप्पल, फ्रेश। दीदी हाँ फ्रेश एप्पल भेजना दीपक की मम्मी को। नहीं सही बात है, दीदी आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अब आप इसी ये दीदी करके लौंडे ना बात रखे, करते ये लौंडे ना रखे तो रख ख्याल है ये दीपक। बोलते तो हम भी हैं बहुत पी दारू, रखते पी दारू, देसी दारू, पी दारू। हैं। बहुत दिनों के बाद मिली है ये दारू। दीदी मुझे कह रहे इधर आ जा, हमारे गिल दारू पी, हुक्का पी, रसीद मंगवाएंगे तेरे लिए, दीदी ऐसे बोलते हैं। ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा फिर तो। हाँ, ऐसे बोलो कि ठीक हो जाएगा, ये बात सही है। तो जब फिर तो ठीक हो तो हमारे पास आएगा,
दूर तो थोड़ी ठीक हो जाएगा। और ये रशियन की बात करता है, मैंने इसकी फोटो इंडियन के साथ भी नहीं देखी है इंस्टा पे एक भी। दीपक ये चीजें दिखाई नहीं जाती, ये गुप्त रहती है। वो एक छक्का आया है, नजर लग जाती है। एक छक्के जैसा लड़का है वही इसके साथ रहता है, छक्के जैसा है, दिखा तो वो छक्के को देख तो ये कैमरा फ्लिप करके दिखा उसको तो ये देखो ये है ये देखो 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 इसकी शक्ल देखो। दीपक तो बढ़िया शक्ल है, बढ़िया की तो ठीक लगा है। आपका योयो का पर डे का कितना है रुपए योयो का? जितना तू साल में कमाता होगा। जितना ये देखो, ये देखो कितना वो बेईमानी करी हुई है इन्होंने। कभी ऐसे लाल रंग आता है कहीं? कितना कलर चढ़ाया हुआ है सेब में? सही बात है। नहीं तो नहीं 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 तो कैसे खा लें इसको? अजीब सा कलर, अजीब सा अंदर से लाल कलर आया हुआ है। देखो इंजेक्शन दिया हुआ है, ये तो इंजेक्शन लग रहा है। तो कह रही लेपी ले आओ। पीने कही रुको, एक अपना भाई है तुमको प्यार देना चाहता है। तो चाटनी पड़ रही है ना, बात करो एक मिनट। सुंदर दीदी मैं आपकी जगह प्रेम को ले रहा हूँ। एक भाई है वो आपको थोड़ा प्यार देना चाहता है, बात करो। दीपक आप बोलो। तुम लोग इतना हुक्का पीकर थकते नहीं हो बेटा? हम तो बुला मैं, तू आ जा। हेलो अजय, ये मेरा नया फ्रेंड है, तुमको कैसे लगा? कैसे हो? नया फ्रेंड है तुमको कैसे लगा? मुझे ये बहुत गंदा लगा। क्यों? क्योंकि ये हुक्के को चूस रहा है। कॉल पे लेता हूँ, उसको कॉल पे लेता। कहाँ गया ये? कहीं डर तो मत गया हिंजी दीदी से? नाम क्या था? मुझे तो याद भी नहीं है, सही बताओ तो। बात कर यहाँ है, बात कर यहाँ है। और तुम कहाँ पे हो अभी? हिमाचल की पहाड़ियों में मस्त मलंग हो? उसका नाम है निशांत नागर, मैं उसको दोबारा लाइक शेयर करता हूँ। तुम पूरी दुनिया में घूमे पर तुम यहाँ जयपुर में क्यों नहीं आते? आऊंगा बेटा। हाँ सोनिया से तो मैं मिल चुका हूँ, वो आती रहती है इधर। अच्छा तुम उसको कस्टमर केयर करने? उसको मैं पिछले साल मिला था न्यू ईयर से पहले। अच्छी है वो, खूब खर्चा करवाया मैंने उसका। नहीं बहुत अच्छा दिल है उसने उसका, कम से कम मतलब मैंने बोला मैं बिल पे कर देता हूँ। तुमने क्या तो बोली? नहीं उसने बोला मैं छिना लू।
हाँ वो बोली, उसने बोला कि मैं छिनाल ऊपर में बिल बच्चे से नहीं, मैं खुद बिल पे करती हूँ, ऐसे और बोली वो, कितना बताओ। बिल पे उसने किया? $25,000 इन द क्लब। कौन से क्लब में गए थे? हाँ क्योंकि उसने ड्रिंक्स भी ली थी। और कौन से क्लब में गए थे? हम गए थे मतलब जी क्लब, जयपुर जी क्लब। नहीं, गे क्लब नहीं है। अब तो यहाँ पे अच्छे अच्छे क्लब खुल गए, बहुत सारे जयपुर में बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लब्स है, महंगे महंगे क्लब और है। अभी तो कल ही जाके आया हूँ, एक रोसाडो नाम का है, बहुत प्यारा है वो। रोसाडो? क्या हाल है? रोसाडो का भोसाडो। क्या मेरी हाल बढ़िया है, तुम कैसे? सुना दे। मैं बढ़िया हूँ, और सुना। ये लाल छतरी भी क्यों बैठे हो तुम? भैया बताओ। एंजॉय ले रहा हूँ। अरे करिए कहीं बात, क्या जगह बात करी? अपनी शक्ल दिखाओ ताकि बस ले शक्ल तो तुमने दे रखी। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मैं दीपक का दोस्त हूँ। अजय तेरा 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 भाई है मेरे पास, छोटा ले बात कर। ले बात कर रहा है अजय भाई, आप कैसे हैं? ले बात कर रहा भाई, आप कौन है ये? मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है ये। अजय मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुम्हारी किस चीज की दीवानी हो तुम मेरी? मैं तुम्हारी ढूंढ में अरे बाप रे डालना चाहता हूँ, बता भाई। हेलो दीपक को नींद आ रही है, दीपक तुम सो जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम एंटरटेन करो, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ तुमको। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। हाँ लेकिन तुम मुझे थोड़ा सो जाओ बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा ऐसे ही बैठ कर, क्या करूँ बेटा। तुम मेरी एक्टिंग करते हो ना अजय, पूरी जिंदगी में ही गिस्ते लगा, बहुत हंसी आती है बेटा। हाँ बहुत हंसी आती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है। ये जो मैंने जिंदगी में अच्छे अच्छे लोग कमाए हैं ना, मैंने जो लोगों का प्यार कमाया है, क्या है? मैंने जो लोगों का प्यार कमाया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रो रहा हूँ तुम रो मत, मैं हमेशा तुम्हारी एक्टिंग कर तुम्हारा नाम अमर रखूंगा। हेलो हेलो, तुम कहाँ से हो? दीपक को बता, दीपक को कहाँ से हो बेटा? ये जीबी रोड में। दीपक को बता, दीपक जीबी रोड में। क्या बोल रहे हो तुम? तो ट्रक ड्राइवर। जीबी रोड में, जीबी रोड, जीबी रोड में। क्या बोल रहे हो? जीबी रोड। एक तरह जीजा बैठा हुआ देख, मुझे पहचाना? जीबी बोलवा के देखना। हाँ ये सब गश्ती लग रहे हैं मुझे। देखो तेरी बहन की चूत गश्ती, देखो जी अपने कस्टमर लेके बैठा है। मोनू गुजर से बात कर, दीपक ओए ले बात करो दीपक। लाइव चल रहा है अंडी का ही। मोनू गुजर से बात कर। और अंडी के बच्चे, अरे तुम बकसूर हो तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। बैंड में तो दूर अंडी के कुत्ते जा बच्चे। बकसूर हो तो तुमसे बात नहीं कर सकती। दीपक दलाल तेरी बहन की चूत मेरे आंड। इनको तेरी माँ को चौधरी, इनको तेरी माँ को चौधरी, काला कुत्ता बहन के लोड़े रंडी के बच्चे, तेरी बहन की चूत बड़ी मजबूत आई चूत भड़की भूसड़ी। <laughs>
उबली हुई तोरई लग रहा था, बहुत नीच और गंदा, बहुत नीच। तुम अपनी क्लास मेंटेन करके रखो, तुम हॉच हॉच बंजो को साथ बैठो। ठीक है, हाँ, क्योंकि तुम हमेशा से हॉच पंजों के साथ बैठती आई हो, ना कि काले तवों के साथ। मुझे रेसिस्ट कहते हैं बेटा। और रेसिस्ट होना भी चाहिए तू बेटा। मैं काले कलवों से नफरत करता हूँ। मैं इनके ऊपर पुताई करवाना चाहता हूँ, एशियन पेंट्स की, लॉन्ग लास्टिंग। ऐसे नहीं बेटा, वो लोगों को अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, उनका स्टैंडर्ड वैसा है बेटा, वो लोगों को कभी शिक्षा नहीं मिली। माँ भी गश्ती, बाप बड़वा, माँ भी गश्ती, तो वैसे लोग बड़वा क्या उम्मीद रखोगे? सामने दवा दीपक, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे तुम्हारी ब्रॉड दिख रही है और मेरी ब्रॉड दिख रही है, तुम्हें उल्टी हो जाएगी, ये बहुत गंदे है, बहुत बदतमीज है। ओ, फिर तो अच्छी बात है, मुझे नहीं दिख रही। अगर ये मुझे दिखते तो मुझे दस्त लग जाते और मैं दस्त की वजह से बहुत बिजी रहता। सामने तो आ, गांड का क्योंकि मुझे एक फोबिया है, मुझे एक फोबिया है, कलवा फोबिया। उसमें मैं काली चीजों को देख के मुझे दस्त लग जाते, कलवा फोबिया। तो इसके मुंह के ऊपर थूक दे, तेरी बहन की चूत पे थूकूंगा अभी, रुक जा, रंड के बलगम वाला तो तेरी बहन की चूत पे चिपक गया और तेरे मुंह पे चिपक गया रंडी के। मोनू गुजर कहते हैं भाई, रंडी के दस्की बी के बीच का थोड़ा, तेरी बहन की चूत इसके मुंह के ऊपर दोबारा थूको। इसने कहा मेरी काली बकरा रंडी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तो माजन की तरह की चूत ले गया तो बाबूजा है, मेरी माँ जहाँ से बाबूजा है ठूसेंगे तेरे को रेंडरी। वैसे कहाँ से तल्ले हो तेरी, कि बहन कहाँ है आगे बिल्डर और आगे बिल्डर बोल रहा हूँ, कहाँ आगे सावन तेरी बहन कहाँ है और रेंडरी के तेरी बहन कहाँ आगे आगे सावन दीपक, इनको टाटा करो, ये क्लासी दही है। माया दी के लैंड, कौन बोला? ये बहुत बड़ा आदमी है, करोड़पति है। तेरी माँ को चौदह बंदों के फोड़ में तेरी माँ की सलाम करो, इसको नीचे झुक के सलाम करो, ये बहुत बड़ा आदमी है। कौन है? थू थू, क्या हो गया भाई? काय का सलाम? अरे ठीक है, वो बड़ा आदमी है, तो चलो से चुप कर दे। अरे ठीक है, वो बड़ा आदमी, समझ नहीं आ रही भाई, कौन सा बोल रहा है ये निक दो नंबर। अरे ये अपना एक गरीब भाई है, ये पेड़ के नीचे बैठा है, सुने गरीब इससे अपनी सुन, ये अमीर बंदे से अपनी भौन चुदवा ले, अपनी भौन भौन चुदवा ले यहाँ से। अरे बाप रे, ओ गश्ती के, ओ मेरे बहन के बड़े बायां दायां आंड काय रंडी के सामने आ। अरे तेरी भौन चुदवा ले, ये वो तेरी बुआ चुद रही है, कहाँ पे चुद रही है? आठ महीने में तेरी माँ चुदी थी, बहन चुदी थी,
चुदी बहन के तेरी बहन चुदी थी ठीक है निगरों का लंड लेता नाइजीरियन का बहुत ठीक है नाइजीरियन पाल रखे तूने दल्ले रंडी के आंड कहाँ गया मैं मुंह में आंड फंसा टट्टा बहन के लोड़ी के बोल बोलेगा रंडी का चुदा तेरी बहन का बोसड़ तेरी गांड बनवा के मैं खुट्टा बोल रंडी के दीपक कलाल ने गांड मरा रखी ओए जगह जगह ओए सुनो ए तू आता है ना बंदों के लेने में आ तू आ जा तेरी बहन ही चोदी आज हमने आ जा तू बहन के लड़ इस मर्जी को ले आ तू सरकटा लंड दिखे लंड कहाँ है चलने आती तो मुंह में आंड फंसा रखा क्या बैंड के लोड़े बोल क्यों नहीं रहा बेटा मैं खाना खा रहा हूँ बीमार हूँ लंड का बड़ा बात बेटा उबली हुई खिचड़ी खा रहा हूँ दूध के साथ क्या खा रहा है क्या खा रहा है तू उबली हुई खिचड़ी खा रहा हूँ दूध के साथ बैंड के लोड़े मेरे झाड़ों की भुजिया खा ले तू रिंडी के इतने बाल आएंगे अबे ये तो बता तेरी बहन कहाँ वो राखी राखी सावंत ये तेरे हाथ में राखी मांगी गई थी मर गया क्या बहन के लिए बोल क्यों नहीं रहा बेटा बीमार हूँ समझने की कोशिश करो दिल्ली एंजॉय अपनी जिंदगी से जूझ रहा हूँ बीमार है तू लाइव आओ नहीं लाइव आओ मोनो पटो ओए देख घुसपेटी गुज्जर देखेगा देख घुसपेटी गुज्जर आकाश गुज्जर भी दिखाओ फिर हां ओए रणवीर के चूते कहां है सुनो दीपक हाँ बोल बेटा ओए रंडे का चूते देख भोसड़े का करियो मत झोपड़ी में रहियो मत 2 रुपए के दाल वो तेरी माँ के लाल चूत देख चाट लूंगा सर बहन के लौड़े खजाले आने के तेरी बहन के चूत रंडे के चूते लंडे के पाल मोनू भाई के आंड वो हंस रहा है दीपक तो तेरे माथे में मैंने लंड रखा था और टोला कैसे हो गया था दिखाई एक बार दीपक कौन से दीपक अगर तू असली गुज्जर है ना तो कैमरा ऑन कर दे कर तो दिया भाई उसने नहीं सोई नहीं मेरा भाई मेरे में तो ओ उंगली खिचड़ी खा रहा है भाई क्या खा रहा है उंगली खा रहा है भाई उंगली खाते उंगली गांड में लेता है सूंघ सूंघ के बैंड के लौड़े खजाले कुत्ते चुदाई खाने ठंडी का कचड़ी खा रहा है ऐसे मत बोलो यार ये बहुत अच्छा इंसान है देख तेरे बाप ने भी फोन देखा रंडी के देख ये देखा बहन के लोड़े देख 15 करोड़ मैं तेरी बहन की चीज में दे देंगे हाँ बेटा तुम बहुत अमीर हो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो ओके तुम बहुत अमीर हो बेटा बहन के लोड़े ओप्पो चलाने वाले हाँ बेटा ओप्पो चलाने वाले बहन के लोड़े बहुत है यार तेरे पास अगर दो ऑप्शन है रेनो अच्छा हमारे और मेरे भाई को ऐड कर आर्यन भाई को भाई कोई और देख ले एक भाई हमारा चीकू गुज्जर ऐड कर भाई को हमारे फिर तेरे को बताएगा क्या चीकू भाई एक बार लाइव पर आ जाओ चीकू गुज्जर को ऐड कर एक बार भाई को हमारे ई तो लिखाओ भाई खाली देख ले आप देख लो सब जगह चीकू गुजर को ऐड कर ले एक बार मान जाऊंगा तू हाँ तू असली गुजर है ऐड करना बे बहन के लौड़े भाई लंड की लाली वो चूसेगा मेरी लाली आप चूसेगा तो बता गिरे वो इंसान को ऐड करना भाई भाई आप कहाँ से हो भाई मैं भाई हरियाणा से अभी तो आप बाहर लग रहे हो फॉरेन गल्फ कंट्री में हो क्या नहीं मैं जर्मनी में हूँ दोस्त जर्मनी में हाँ रिफ्लेक्शन आ गया जर्मनी में कहाँ पे तुम्हारे गली के पीछे पूछो ना जर्मनी में कहाँ पे भाई
ये भाई भी जर्मनी का है देखो। कहाँ से हो भाई जर्मनी में? मैं डॉर्टमुंड में रहता हूँ भाई। कहाँ पे? डॉर्टमुंड। जर्मनी में कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट में हो, बर्लिन में हो, कहाँ पे हो? फ्रैंकफर्ट के पास है ना एक शहर है भाई डॉर्टमुंड नाम का ना। अच्छा 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 मैं समझ गया। सारे भाई, अरे तुम्हारे जर्मनी वाली गली है ना, तो पीछे वाली क्या दूध की डेरी उसके पीछे जर्मनी में कहाँ पे है भाई? जर्मनी में भाई। दीपक भाई, दीपक सारे भाई अचम कर रहे हैं भाई, बताना भाई को। दीपक बोलो। ठंडी के चमगादड़ से मुंह के कांगे तेरी बहन की चूत बड़ी मजबूत। आया मोनू भाई फट गई चूत। दीपक देख तेरी बहन की चूत तो मेरा सर चलेगा। बहन की चूत में कौन है? 5,000 रुपए डालो फिर ऐड करता ठंडी का। दीपक हमने लाइव आने के कितने पैसे सेंड किए तेरे को लाइव आने के लिए? पंडित की बक्स छोटी सी बोल क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये बोल क्या? दीपक अरे वो सब बताता ही नहीं है। कौन सी सेंड करनी है क्या क्या? दीपक हां देख ले इतना सो गई है। मैं बोल क्यों नहीं रहा दल्ले भाई? ऑन बेटा मैं दीपक का खिचड़ी खा रहा हूं, मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं बीमार हूं बेटा, मैं दूध की खिचड़ी खा रहा हूं। दूध की खिचड़ी खा रहा है तू? बैंड के लोड़े तू आंड की खिचड़ी खा रहा है? तू आंड की खिचड़ी बंदे का चुदे बंदर की चट्टी खाएगा? बंदर की चट्टी खाएगा बैंड के लोड़े करने में? ओ भाई देख ले बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, बंदर की गानों के लिए स्ट्रीट लगाई है, लगा ली होटो पे। दीपक ओ दीपक बोल भोसड़ी के। अबे रंडी का एक बार चीकू गुजर को ऐड तो कर ले एक बार रंडी का चुदे। बैंड के लोड़े बंदर के आंडी खा ले, बंदर का आंडी खा ले मजा। बैंड के लंड जीबी रोड के पता ही साढ़े तेरे को सकल देख के लगता पेचस हो गए। बैंड के लंड मुंह पास ला टोला फंसा हुआ है मोनू भाई का। मोनू भाई का तीन टोले थे, एक टोला तेरी माँ चोदे ना, तुमने माँ की गांड से निकला है तू। मजे मजे के चोटे तू, मजे मजे के चोटे बैंड के लोड़े तेरी माँ के। तू पास दी थी तब तू निकला था पाते पाते। नहीं बैन का लंडे। अरे भाई ऐसी बात मत कर भाई, मैं डिलीट कर दे। अरे भाई ऐसी इतनी गंदी बात मत करो। क्या कह रहा है उल्टा? नहीं इतनी गंदी बात मत करो, फिर मैं तुम लोगों को कभी लाइव पे नहीं लूंगा। मैं रंडी के फिर लाइव में आने के लिए मर रहेगा बहन के लोड़ी के। तेरी लाइव में क्या है बे? तेरी माँ की तुझे आईडी उड़ानी पड़ेगी रंडी का दोबारा। ओए सारी इसकी आईडी पर रिपोर्ट करो। दीपक कलाल माँ का लोड़ा 580 देखो वो भाई मजे ले। अरे मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, ऐसे कॉमेडी करो ना, लोगों को हंसाओ। मेरे फैंस मुझे कितना प्यार करते पता तो? तेरे फैंस नहीं है, फैंस है इसके। फैंस नहीं है तेरे बाप के आ रहे हो बहन के लोड़े, तेरी बहन के आ रहे सारे। तेरी बहन कॉमेडी करो, मैं नाम ही बोल रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा गंदा बोलोगे तो फिर मैं तुम लोगों को ब्लॉक मार दूंगा। तेरी माँ भी चोट देंगे फिर भाई, बहन के लोड़े कलकत्ता से उठा लेंगे। तू लॉस एंजलिस में था ना? लॉस एंजलिस लंडन का बाप गया कभी? लॉस एंजलिस है? लॉस एंजलिस जाता है ना? धारावी में एक बार स्पेलिंग सुना दे लॉस एंजलिस की, सारी बात छोड़। बैंड का लड़ा पटेल लग रहा था ये। तू स्पेलिंग सुना दे लॉस एंजलिस की, मान जाएंगे लॉस एंजलिस में रहता है। सुना दे दीपक, पता है इसको लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस भोसड़ी के नली दे दूंगा गांड में उक्के की। कांगे वो बैंड के लड़े सरपटे मोनू गुज्जर ओए सरपटे अरे अब बलगम वाला थूपा ना तेरी बहन की चूत पे। थूपू नहीं थूपू चुप हो जाएगा तू। बैंड के लोड़े बंदों को सरी बंदों को लेकर दुकाले गुलूस करता है ना, यहाँ तेरी बहन चुदेगी। ओ भाई हंस रहे ओ गलत फंस गया अभी हो दीपक। अरे भाई गलती फंसता हमारे चक्कर में बोल है ना, गलत फंस गया आज बेचारा। क्या नाम है भाई का? नाम तो मेरा भी दीपक है भाई। अनफॉर्चुनेट भाई आपको भी बोलना, आपको भी पैसे दिए होंगे इसने लाइव मारने के लिए ना? नहीं 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 यार ऐसा कुछ नहीं भाई, ये रंडी का हमें तो पेटीएम करता है, ये भी बुलाता है हमें। कहता पेटीएम कर रहा हूँ तब आओ लाइव में, हम नहीं आते वरना इस बैंड के लंडे के लाइव में।
बहन का अपनी पता क्या करता दीपक भाई, अपनी बहन की कसम गिलवाता है मुझसे, कह रहा मेरी लाइफ पे आना पड़ेगा तुम्हें, फिर इसकी बहन का यार देख के मुंह फिर आना पड़ता है मेरे को यहाँ पे गाली बकरा लाइव में, और पता है पर्सनल में क्या बोलता है, अरे भाई तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे जीजा हो, यहाँ कह रंडे का चिदा तेरे को मारेंगे ना, तरस लिखाएंगे तेरे ऊपर। पहले जोगिंदर से बात कराई थी, इसकी पूछने वाली गांडू है ना, ये गांडू है यार भाई, मैंने मारा मारा ये गंडमारी पिस्तौल, अबे भाई को तो ऐड कर, गुजर को ऐड कर, हमारे भाई को ऐड कर, ठीक है फिर बताऊंगा भाई। चीकू गुजर से एक रिक्वेस्ट सेंड करो भाई, कैमरा बंद कर दो, क्या बोल रहे शर्मना टिटो, तेरी बहन की चू शर्म, जिनने करे शर्म उसके फूटे करम। ओए एक बात बता, ओए तेरी क्या बहन चोट के चलेगा जो हम शर्म आएगी, ये बता पहले शर्म किस बात की आएगी, हमें लड़के हैं बहन के, लंडे बहन के लड़े कहाँ है रंडी है, कैमरा बंद कर दे तूने, और दीपक और बेटा चिकू तू मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, क्या कर रहा दीपक, चिकू बहुत अमीर है, चिकू भाई राम राम, राम राम भाई, राम राम, क्या हाल है भाई, बढ़िया भाई, बहन के लड़के को थोड़ी सुनाओ ना अच्छी अच्छी, है ना भाई बीमार है यू अभी यार बीमार है तो भाई हमारा थर्मामीटर ले लेगा रंडी का, ये ठीक हो जाएगा यार, बंदे को ना बुखार है, और क्या है दीपक तेरे को, बेटा चीकू भाई, हाँ भाई भाई तमने भी तो गांड मारी थी उस दिन, इसकी तो बुखार हो गया तब से ही, अरे नहीं नहीं दीपक बंदा बढ़िया यार, ओ भाई अरे को कुछ मत बोलो, जब ठीक हो जाएगा तब बढ़िया, और क्या हाल है दीपक भाई, दूसरे दीपक भाई क्या हाल है, इसकी बहन ने सिर पर आगे मान के चलेगी, आगे आगे सावन सबसे बीमार हो गए, कहाँ से हो भाई तुम भाई, दिल्ली, दिल्ली दिल्ली में कहाँ पे, ये दिल्ली भाई, दिल्ली में मंगोलपुरी, मंगोलपुरी से आर्यन भाई के छोटे भाई, पीपल के पेड़ के नीचे आर्यन भाई और पारस भाई के, कभी सरकारी ग्राउंड में बैठते हैं, कभी रेल पे पटरी पे बैठ जाते हैं, इतना फिक्स नहीं है, तेरी बहन के छोटे, तेरी बहन की क्यों ना भी चुरा चाहिए होता बैठने के लिए, मंडी के दिल्ली में पता भी नहीं है, गांड पे गोली लग गई आके उड़ती हुई, देख दीपक जानता इसको, जानता दीपक मैंने जानू, सुंदर नागर गुजर जाना तू है, अच्छा अबे यू तो गुजरो गुजरो में अमर है, अमर टूटने आएंगे ना, अरे चीकू भाई, भाई दीपक अपना को गुजर बोलता भाई, कोई ना बन जान दो दीपक, बनेगा दीपक गुजर बनेगा दीपक, हाँ भाई सपोर्ट है चीकू भाई का, सपोर्ट है मोह, अच्छा चीकू भाई का सपोर्ट है तेरे को, आर्यन चौधरी जानते भाई तुम, है भाई आर्यन चौधरी जानो, हाँ भाई आर्यन चौधरी को जानते भाई, भाई फिर जानते हो ऐसी जानते हो मतलब इंस्टा से, मैं उठ रहा हूँ तुम्हें भाई पर्सनल भी मिले हो भाई से, आर्यन चौधरी आर्यन चौधरी से भाई मेरे बारे में पूछना, जानता मेरे को, हाँ भाई बता भाई, वही ना जो चोरी चकारी में दो बार जेल गया था, वो तेरी बहन की चूतर रंडी के चूते, तेरी माँ चोद देंगे रंडी के, बहन के लोड़े खिचड़ी खा रहा है, ये बहन के लोड़े बंदर की टट्टी खा रहा है, अब तक खिचड़ी नहीं खाई, अरे वो चोरी चकारी में दो बार जेल गया है, और तबीयत वो भी ठीक है तेरी, अब नहीं बेटा, अरे दीपक क्या हाल है बेटा, बाप है, अरे बेटा मेरी उम्र तो देखो क्या है, मुझे बेटा क्यों बोल रहे हो, लोड़ू चल कैमरा खोल पहले, जब तो बताऊंगा,
दीपक। और आपका नाम, आपका नाम क्या है बेटा? अरे मेरा नाम टंकुर गुज्जर है। सुन और कौन क्या था बोल? कौन है तेरे जैसे कौन उनकी गौंड मानना? और तुम कहाँ पे रहते हो बेटा? मैं गाजियाबाद में। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। और सुनाओ भाई, और दीपक? मौज भाई मौज आ रही है। दीपक हरता, सुन दीपक हरता देख के भी ठाते आईडी ने। अच्छा जी, अगर मैं गाजियाबाद आऊंगा तो तुम मेरा राज्य अभिषेक करोगे? तेरा राज्य अभिषेक करेंगे, बताओ क्या काम है तेरा? दीपक की रेली लगानी है, तगड़ी वाली है ना दीपक? दीपक तू तो फेमस होनो, सुन दीपक तू तो फेमस होनो है तो तू एक काम करवा ला, तेरी गानी कसम तू फेमस हो जाएगा। क्या करना है बेटा? गांड मरवा लग। आरों भाई दीपक तेरे जैसे इनको रहने को घर बनवा रहा हूँ ना मैं, टेंशन मत ले, काम चल रहा अभी। अच्छा, आपका बिजनेस क्या है बेटा? मेरा बिजनेस नो में तैयारी करता हूँ, आर्मी की तैयारी करवाऊँ बाल करने नेहरू स्टेडियम में। 35 से 40 बाल है मेरे पास, 1000 रुपए फीस है। कौन से स्टेडियम भाई? नेहरू स्टेडियम में। नेहरू स्टेडियम भाई लोधी रोड में है भाई? लोधी रोड में। हाँ भाई, हाँ नेहरू प्लेस में है जो। नेहरू प्लेस में? नो भाई, लेकिन ऐसे मेहनत का काम करके तू पैसे कमाता है? मेरे घर हम लोगों को तो हराम का किराया आता है, हमारे जैसे जिंदगी जी ये मेहनत क्यों कर रहा है सुबह उठ उठ के? अरे सुबह उठने के दोस्त, तू तेरे काम कौन सा? मेरा भाई पेलनजी। किराया आता है, मैं तो मौज करता हूँ। पेलनजी को भाई, पेलनजी को भाई यार तेरे से तो कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ मैं, वही रह रहा हूँ कोटला रह रहा हूँ मैं, गुज्जर चौक ना जो फ्लैट बन रहे हुए हनुमान मंदिर साइड में उसमें रहूं भाई। अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ, थोड़ा सा बड़े वाले भाई को कर देना, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा, कॉल कर देना जब भी आओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें फॉलो कर लूंगा, जिसके अगर जिसकी किसी के दौरा रह रहे होंगे, किसी गुजर भाई के दौरा, तो वास्तु एक बार मैं नाम पूछ लूंगा भाई जॉन। तो हाँ 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 दीपक, तू भी पिलंजी आता है, रहेंगे पिलंजी बेकर भाई। अपने मुंह मियां मिठे, मियां मिठू, अपने मुंह मियां मिठू। अरे तू मत, दोनों दोनों कुएं के मेंढक गले मिल रहे, कुएं के मेंढक कुएं में ही गले मिल रहे। देखो सुन सुन गुज्जर और कोई भी गुज्जर भाई है वो तो अपना भाई है, आगे समझ, अपना भाई है। गुज्जर मारे गुज्जर नहीं तो मारे भगवान, गुज्जर दो ही मार सके बस, आगे समझ। मारने का तो पता नहीं, लेकिन दोनों मुझसे गौण मरवा लो तरीके से। दीपक तेरी गौण में तेरा लंड बजाऊंगा, 6 फुट सा पट्टा दिखा भी दूंगा तेरे। दीपक मेरा, अरे मत दिखा यार, सुन जो मैं तैयारी करवाऊ ना। हाँ मेरे थोड़ी लड़की भी है वे, दिन रात बजाऊ ने दोस्त, मैं तेरे द्वारा मैसेज करूंगा, तुम मैसेज करियो। कोई ना तो भाई, नेहरू स्टेडियम आ जाऊंगा मैं, नेहरू स्टेडियम मेरे घर से कितने। अरे अभी हथियार देख के तो चीकू नंबर क्या आज तेरे पास आ जाएगा। बहुत ठीक है भाई, तेरी गांड फाड़ दूंगा मैं, उस बहसबाजी कर तेरी इज्जत कर रहा हूं, तेरे को इज्जत आ रही है वैसे, है ना? हथियार देख के है ना चीकू तो भागा भागा आ जाएगा। एक बात दीपक, इतनी सुन दीपक, तेरी इज्जत करे तेरी जवानी कसम, तुझे कोई गाली देगा तो खुन्नस आवे, तो अपना यार है, नियमित 3 दिन में बक्कल तार दे, बता तकिनो जी को भाई। और दीपक जिस दिन गया उस दिन मैकलोडगंज भी पहुंच जाऊं, ज्यादा ना 7 घंटा में दर्द हो रहा है। मैं भाई हॉस्टल में मेरा तो महेंद्र फौजी वाला भाई जी को भाई जानते होंगे तुम तो। किसा भाई? जिस पर जोन सी फिल्म के लिए गाजे बात ना मणि। हां हां मैं महेंद्र फौजी, मेरे हां मेरे गांव के ऊपर ही मणि हूं। अच्छा हां, उसमें तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है, वो उसमें तो नेगेटिव मैसेज है वो मूवी में। गाजियाबाद में गुर्जर के ऊपर बनी पड़ी है दीपक वो पिक्चर, महेंद्र फौजी गुर्जर की तरह को स्टोरी बताएंगे, बताए स्टोरी। नहीं मैं जिला गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, जिला गाजियाबाद करके एक मूवी आई थी संजय दत्त की, और उसमें विवेक ओबेरॉय भी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
हमारे घर में बहुत ज्यादा दिखाऊंगा तुम्हें, दिखाओ अभी दिखा यार, उनके घर जाना पड़ेगा मुझे भी, थोड़ा सा थोड़ा दूर है मेरे घर से भाई, मैं मेवला से हूँ, मेवला महाराजपुर से भाई, ना 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 गाजियाबाद वाला भाई, मेरे गांव को परित पर, मेरे ताऊ चाचा ने चला गया भाई वे, अच्छा हाँ भाई, मैं सोचो छपराने वाले मेवला महाराज, तुम लोग ऐसे पहचान दिखा रहे हो जैसे एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन करने वाले दोनों में, एग्रीमेंट साइन ना एग्रीमेंट जिस दिन मुआवजा मिलेगा ना दीपक तो खरीदूंगा बैठे बैठे फिर। अरे भोसड़ी के रुआवजा खा ले, रुआवजा आज माओ रुआवजा खा ले, केला बुरेल तू खा, तू पी रुआवजा, हम पिए दारू, रुआवजा है एक सिक्के फायदे है अनेक, रुआवजा बड़ा रुआवजा नशा, और उस नशे को काबू में करती है दारू, इसलिए दारू पीते हैं दीपक। बोल बेटे सुन, बेटे तेरे ऊपर हम आदमी मार देंगे, तुझे अपना मानते समान, हम तेरी गलबा को आदमी नहीं करते, एक चीज बता बत चीको भाई बताओ एक बार इन्हें, हाँ दीपक के मारे आदमी टोंग पर टोंग धर का फाड़ देंगे, और दीपक एक चीज बता रहे मजाक से अलग हटके, जो यू ना जाकिर अली, जाकिर अली को देख लाइफ पे कह रहा हूँ, बाप ने हमारे गांव के नहीं मारा, पूछ लियो जो तेरे जो तेरे लाइफ पे जो जुड़े कानों में उसको लौड़ी लौड़ी का खून हो, अरे इसकी गेले एक लौनी को जुड़े है तो सही, उसका नाम क्या मुसलमान का क्या नाम, मेरे नाम याद ना रहा, सोहेल नंबरदार, हाँ सोहेल नंबरदार से पूछ ले महेंद्र भुज्जी के बारे में, उस स्टोरी बता दे एक बार, अच्छा अच्छा नंद किशोर गुज्जर जो ने लौनी में हंगामा मचा रखा, सोहेल से पूछ लिया चीजें भी ठीक है। अब्दुल लौनी साइड ना आ रहा, तेरा स्वागत वागत करवा दूंगा बढ़िया तरीके से, आता सही दीपक, तुझे कच्चे बच्चे में रहूं साइड में आएगा दीपक, दिल्ली में आएगा दीपक का तगड़ा स्वागत होएगा भाई, ना सुनो चीकू भाई, अब का दीपक आ जावे ना लोनी साइड, इसको तगड़ा स्वागत करवाना मुझे भी, माड़ा वाला तगड़ा, 10-12 टंपून में डीजे लगवा के हैं दीपक, और दीपक का गाना बताओ कौन सा, दीपक तेरा गाना कौन सा दीपक बता ना, दीपक भाई जुड़वाना मुझे, दीपक को भाई तगड़ा स्वागत, अपने आप पे शर्म आ रही है तुम लोगों की बातों से, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, तो तेरे शर्म लाएगी स्वागत कर रहे हो ऊपर से बकवास कर रहा हो, तेरा स्वागत करूंगा लौनी चित्तन में, सुन बस मदन भैया से कहूंगा, अरे ऐसा है नंद किशोर गुज्जर के हाथ से तेरे में तेरे गले में माला गिरवाऊंगा, विधायक से बीजेपी का खास विधायक अब तो चक्रंट को, मदन भैया को जाना है तो दीपक, मदन भैया जाना है गाजियाबाद, मैंने जानू बट मो सब जोने को तो जोने कोई सब जोने को गुजर, ओ दीपक तू गुजर मत बने कर यार, तू हमें अपने ऊपर अफसोस है यार, तू गुजर ने जैसी भाषा बोल ले, हम बहन चो दिमाग की बहन चो दे, तू गुजर वाली भाषा मत बोल ले कर, और तू गुजर बन के ना डोलिंग कर, सुन मेरी बात दीपक, कड़वा तमाऊ की गेल हुक्का पी अगर तेरी मोटी आवाज होएगी हमारी तरफ, फिर तो अभी मेरी आवाज कैसी एक्टिंग करके दिखाओ, तेरी आवाज सिस्टम फाड़ देंगे ऐसी आवाज है तेरी, हम क्या सिस्टम फाड़ देंगे, और मैं भाई ज्यादा तो कहो मत, मैं कैसे बोलता हूँ, सुनो जीकू भाई 90% ना इस दीपक से प्यार करने वाले 90% मेरे गांव में भी होंगे, इसकी फोटो लगा रहा दीपक, दीपक ऐसा बंदा दीपक से बहुत दुनिया प्यार करता है, दीपक किसी गाली भी दे ना किसी बुरी नहीं लगती, दीपक की गाली हंसी आवे, दीपक की गाली पे दीपू भाई, दीपक तो रशियन की गैर वीडियो बनावे, अल्लाह तुम्हारे मुंह पे उसकी वीडियो देखी तो मुंह मारो मुंह पे लात, तेरा आंदे एक लात में दो कढ़ाई खवा दी होंदे दीपक, दीपक तो मेरी आवाज मर्द जैसी नहीं है ना, मर्द जैसी हम कब कह रहे थे ना, मर्द जैसी है पर तेरी आवाज थोड़ी पतली है, तू हुक्का पी अगर 4-5 दिन में 4-5 चिलम पी जाकर हुक्का है कड़वे तमो गुगेल मोटी आवाज हो जाएगी, और सुन दीपक हाँ
दीपक देख देख अपना हम तुझे मानते तुझे इतना बड़ा दे रहे पर तू लोनी लोनी साइड आएगा ना तेरे को मैं मदन भैया से कहूंगा नंद किशोर से खुशामंद करनी पड़ेगी तेरा माला गिरवाऊंगा तेरी कसम खा के रहूं माला के साथ तेरा स्वागत कराऊंगा मारे नहीं की माला गिरवाऊंगा बता भाई लोन दीजिए ना रिश्तेदार के बहुत बड़े भाई उनके साथ स्वागत कराऊंगा दीपक इनकी बातों में आगे चले ना जाना वापस नहीं आएगा समझ गो दीपक भाई समझ गो ऐसा ना हो कि तेरी लाइव कहीं और से ही लाइव आए फिर ये करने के खेत में से लाइव आएगा तो फिर वहाँ ना भाई दीपक अपनी जान है दीपक भाई देखो देख आज मजाक से चीकू भाई देख देख हम मजाक कर रहे कोई दिक्कत नहीं दीपक द्वारा बकचोदी करेगा ना कोई इस दीपक के ऊपर भी जेल चले जाएंगे भाई तुम इतना बुला के छोड़ोगे ना ओ इनकी बात अरे दीपक भाई दीपक बड़ी जान है यार जान से ज्यादा प्यार करे दीपक से यार दीपक रशियन है यार हमारी टेंशन क्लियर हो यार टेंशन मत लो तुम दीपक अगर बुला के छोड़ देंगे भाई नंद किशोर गुज्जर पर स्वागत करवाना है मुझे इसको दीपक अगर तो इनके गांव में चला गया ना तेरी सारी बीमारी आधे घंटे में ठीक है नहीं ए दीपक यार अपना कैमरा तो ऑन कर ए दीपक अपना फेस दिखा यार तेरे फेस की तो वैल्यू है तेरी फेस के ही तो पैसे निकल रहे हैं तेरे कैसे हैं लागा छोड़ देंगे भाई हां सुनो दीपक तेरे के लिए शूट भी करना है मुझे यूपी का शूटर आया हो ना ऐसी तेरे साथ यूपी का शूटर फोर बनाना तेरे साथ गाना अच्छा मैं बदमाश हूँ मेरा बाप भी बदमाश था है मेरा बाप बदमाश था मैं भी बदमाश हूँ वो भी यूपी का था ना भाई वो बंदा भी हाँ 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 वो तो वो था बिल्लू सांडा बहुत जबरदस्त आदमी था बंदा भाई यार जेल से भाग गया था क्या के सही में मजाक से हटके एक वो ही है जो यार सीधा पुलिस के मुंह पे कहता भाई मेरा बाप बदमाश था मुझे शौक है बदमाशी का भाई उसका एनकाउंटर हुआ बंदे का मार दिया उसको हाँ एनकाउंटर हो गया उसका अरे यार भाई सुनो यूपी में कौन बच रहा तभी बता दो योगी में है योगी सरकार है यूपी में योगी जी है योगी जी ने थोड़े किसी अभी दीपक तू अपना भाई है तेरे लिए जोन दे देंगे टेंशन मत है तू गाजियाबाद में ताज से चीकू भाई भी मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं चीकू भाई स्पेशल बुलाएंगे लोनी में तेरे स्वागत करवाना मुझे धूमधाम से तू अपना भाई है सुने इसकी बातों में कुछ काला नजर आ रहा है ना देख आजा देख तेरे देख तेरे देख दीपक कलाल देख तेरे चाहने वाला आ रहा देख अभी दिखाऊंगा बाइक पारा देख रुक जा दीपक कलाल का चाहने वाला ना भाई तू अरे हाय हेलो हेलो रोम रोम भाई क्या नाम है आपका बढ़िया लव यू कैसे हो बस भाई कहाँ से आपका नाम क्या है तुमने जॉली क्या जॉली जॉली साड़ी जॉली 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 वाला यार, अरे तो आप इतने अच्छे हो आपका नाम साड़ी चोली क्यों रखा हेलो दीपक कलाल आपके माँ ने आपका नाम साड़ी चोली क्यों रखा भाई साड़ी चोली नहीं है वो जोली बोल रहा भाई जोली जोली एलएलबी वो उसे पता दीपक भाई उसे पता है सब दीपक मजाक कर रहा है इसको पता सारे सुनते हैं इसको दीपक संध्या को ऐड कर ले दीपक तेरा चाहने वाला है टेंशन मत ले तेरे ऊपर जान दे देगा यूं गोंड को गोली मार दूं सुन टाइम डर के गोंड को गोली मार दूं नाल गिर दूं जगत पर के नू करो जगतपुर के नाले में गिर दूं अरे दीपक भाई लव यू यार लव यू तेरे दर्शन हो गए मेरी जान लव यू मेरी जान मतलब तुम लोग मुझे फंसा रहे हो ना ये बोला आगे छोड़ देना तो रात पूरे दिन एकदम बढ़िया कटेगा हमारा तेरा दर्शन हो गया निकल गए दीपक आई लव यू मेरी जान तेरे तो यार दर्शन ही नहीं हो रहे थे दीपक भाई ये सब तो की बहन की चूत में दर्शन हो गए दीपक के दीपक देख मुझे गाली क्यों दे रहा था वो दीपक ऐसा इंसान है जिसका मूड ऑफ होगा ना वहाँ भी हंसवा देता दीपक संध्या को ऐड कर लेना
लेकिन तू मुझे वहां पे बुलाकर अपनी गौन तो नहीं मरवा लूंगी मुझसे? तेरी मार लें गौन, टेंशन मत ले। अबे साले अगर तू वहां चला गया, अरे ऐसे हम बुरा हाल हो जाएगा भाई। तू ऐसे चलेगा जैसे खेत में कुत्ते। दीपक दीपक क्या चलेगा भाई, एक बार बता दे दीपक क्या चलेगा, एक बार इसे ना बता दो। खेत में कुत्ती नहीं चलती है, ऐसे चलेगा मां कसम, चला ना जाइए। दीपक कैसे वो नसेडिन की तरह कर रहा दीपक, तो नूकर गए कैसे, कौन सी पुआ पी लियो दीपक भाई, टम्पू वाले से ज्यादा खुश रहे करो पहले। तेरी बहुत भी कुछ है दीपक, तू अपनी जान है यार। दीपक यार किसी लड़की से बात करवा दे यार, बुला के एक बार बोले ये किसी लड़की से तो बात करवा यार, अच्छा रहेगा। दीपक भाई इनकी करा दीपक, संध्या को ऐड करियो, संध्या को राम राम, आप करो दीपक, आप करो बात दीपक भाई, राम राम, राम राम भाई, भाई एक बार बात तो करवा दीपक भाई, दीपक कलाल एक बार बात करो यार, कर ले संध्या को, संध्या बोल रही ऐड होने के लिए, डार्लिंग एक बार ऐड तो कर किसी है। सुन भाई दीपक कर रखो मैंने कम से कम 5 साल से, फॉलो कर रखो भाई दीपक, भाई मोह दीपक 7 साल हो गए दीपक फॉलो करते करते, भाई दीपक दीपक को भाई मैं बहुत तकड़ा फैन हूँ दीपक, मैं 5 साल भाई दीपक कर रहा हूँ, दीपक ने तो बहुत हंसी दुआई पूरी पूरी रात। हेलो हेलो, कैसे रे दीपक, मर गया रे तू? दीपक न मरो, दीपक के पत्ता पित्तर उससे पड़े पर तेरे लिए कब केस थी? संध्या दीपक के लिए ऐसे नहीं बोलेगी यार, दीपक मर जाएगा तो दीपक जो होने अपने दीपक पर दो, दीपक पर दो दुनिया में हड़ताल हो जाएगी। दीपक तन्ने खिचड़ी ना खाई? हाँ मैंने दूध खिचड़ी खाई। किसने बताया तेरे को? डॉक्टर ने बताया खिचड़ी खाने के लिए? हाँ मूंग मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की, उसमें ना सोयाबीन के दाने डाल ले जल्दी ठीक होएगा। अरे दीपक भाई फीवर हो रहा है क्या, मैं बता रहा हूँ तुझे दवाई, दीपक 4-5 दिन से भाई दो बेर अपनी गांड जमीन पर टेक के घिस के अरताई पे धर दे अपना आप ठीक है तो। दीपक सुन, तेरी जल्दी तबीयत ठीक होगी, बात सुन मेरी, सुन रहे? आप बोलो। मट्टी का तेल है ना उससे पी ले। मट्टी का तेल पता जोड़े किसे क्या मैं? मट्टी का तेल ना जान दीपक, सारी चीज जोड़े मट्टी के तेल में, दो बेर मुद्दे को मट्टी का तेल बन जाएगा दीपक के मुंह से। मट्टी का तेल मतलब पेट्रोल, पेट्रोल मट्टी का पेट्रोल नहीं होता, रॉकेल 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 होता है रॉकेल, जिससे वो दीपक पंप करके चलता था वो। अरे रॉकेल मट्टी का तेल मतलब रॉकेल, मेरे मैं बता रहा हूँ मट्टी का तेल कैसे बनेगा यार। आजकल तू बाहर भी रह रहा है तो बाहर को पानी पी रहा है बिस्लरी को, तो मट्टी ढूंढ, मट्टी में दो बेर मूत, वो मट्टी का तेल बन जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे, एक बार आग लगा के देख लेते हैं मूत तो पहले भी जलावट कोई है, जो हम उतरो बहन से बाथरूम के बाथरूम फाड़ दी तुमने। क्या बताया दीपक तेरे को डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। या तुमने पता है भी 2-4 दिन ना दारू ज्यादा पिए ना उसकी वजह से बीमार पड़े हो, तुम एक काम करो और दारू पियो ठीक हो जाओगे पूरे। विनती कर रहे दीपक से भाई, लोनी छेत्तर में का दे बात, छेत्तर में तेरा स्वागत करवा देंगे, इसको मन ही नहीं कर रहा आने को अभी स्वागत। बीजेपी के कार्यकर्ता से नंद किशोर गुज्जर से करवाता भाई। दीपक बेचारा बीमार पड़ा है। दीपक अपना कैमरा ऑन कर ना, संजय तू तो कर अपना कैमरा ऑन, मेरा कहे के तू करवावे तू कैमरा ऑन कर, दीपक कैमरा ऑन करवा देगा। सुन दीपक बीमार चल रहा है यार, ज्यादा कोशिश ही पता चल रही है। अच्छा और कुछ दीपक, आ जाने ना जाने इसकी पूछ देख कटिया की पूछ जो है भाई, कब आओगे पिलन जी तुम? दीपक रे सुन ना, सुनो पिलन जी, मैं बताऊं तुम्हें
मेरे 2-3 दिन में ना मेरा टेल पत्थर का काम खत्म हो जाएगा घर पे भाई, उसके बाद में वही मिलता हूँ तुम फिलन जी, फोन कर लूँ मैं छोड़ दूँ, आप नंबर सेंड कर दियो भाई। दीपक दीपक नीरज ने पैसे पेटीएम नहीं करे इसलिए बीमार पड़ गया। ठीक है चलो तो भाई मैं जा रहा हूँ, बाय टाटा। दीपक दीपक तेरी माँ दवाई ले पागल है क्या तू।